राजनीति पुरजोर गर्म है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी बीते कल हो गई है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी बिसात पर अपने मोहरे सेट करने में लगी है। बीते दिनों समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और नेता आजम खान ने अपनी अपनी लोकसभा सीटों से इस्तीफा दे दिया है। अब दोनों पूरी तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति पर ही फोकस करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के खेमे से जो जानकारी मिल रही है, अखिलेश यादव और आजम खान के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीटों पर किसे उतारे जाना है, इसे लेकर चर्चे शुरू हो गए हैं। आपको बता दें, अखिलेश यादव और आजम खान की सीट पर से दो चेहरों के उतरने की जानकारी मिल रही है। डिंपल यादव और तजीन फातिमा का नाम सामने आया है। कहा जा रहा है कि ये दोनों अब चुनाव लड़कर पार्लियामेंट पहुंचेंगी, सपा की यही कोशिश रहेगी। आपको बता दें, डिंपल यादव फिलहाल किसी भी सदन की सदस्य नहीं हैं। विधानसभा चुनाव में उनके प्रचार की काफ़ी सराहना हुई, लेकिन अब जब अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से इस्तीफा दे दिया है, डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी यहां से चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा 2017 में रामपुर सदर सीट से चुनाव जीतकर विधायक बनी थी। ये सीट आजम खान ने सांसद बनने के बाद खाली कर दी थी। अब सांसद रहते जेल से आजम खान ने रामपुर विधानसभा सीट का चुनाव लड़ा और जीत गए। तजीन फातिमा की सेहत खराब बताई जा रही थी। अब जब आजम खान ने लोकसभा छोड़ने का फैसला लिया है, तो इस खाली सीट से उनकी पत्नी ही चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।